तो दोस्तों हमारी पिछली कुछ वीडियोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर ही बनी है, और आप लोगों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम एमसीयू के उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में एक नए लुक में दिखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर की फिजिकल अपीयरेंस की, उनके नए सूट की और कुछ कैरेक्टर्स के नए वेपन की। तो आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमसीयू के सबसे नए सुपर हीरो से, जो कि है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर को हमने सबसे पहली बार देखा सिविल वॉर मूवी में उसके वाइब्रेनियम के सूट के साथ। ये सूट हर तरह के शॉक और वाइब्रेशन को झेल सकता है, और इसके साथ ही इसमें है खतरनाक वाइब्रेनियम के क्लॉज जो कि किसी भी चीज़ को खरोच सकते हैं। लेकिन इस सूट में कमी ये है कि ये सूट बिल्कुल भी ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब इसे पहनने और उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस सूट का वेट भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें अटैक के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि है ये क्लॉ। इस पुराने सूट को अपग्रेड की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए ब्लैक पैंथर यानी टचाला की बहन शूरी ने उसके लिए एक नया सूट बनाया। ये नया सूट बहुत ही हल्का है और इसे पहनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सूट बना है बहुत ही छोटे छोटे नैनो रोबोट्स से। ये नैनो रोबोट्स टचाला की बॉडी या उसके नेकलेस में फिट है। टचाला की मर्जी के मुताबिक ये रोबोट कभी भी एक सूट फॉर्म कर सकते हैं। हल्का और ऑटोमेटिक होने के अलावा इस सूट की और भी खासियत है जो कि है काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ब्लैक पैंथर का पिछला सूट शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके उसे चोट लगने से बचाता था, लेकिन ये सूट किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर इस एनर्जी से ब्लास्ट भी किया जा सकता है। और ये एनर्जी लड़ाई के वक्त सूट पहनने वाले को ताकत भी देती है। टचाला यानी ब्लैक पैंथर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में इसी सूट में लड़ते हुए दिखा। अगला कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। बाकी स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर पार्कर ने अपना सूट खुद ही बनाया था, लेकिन एमसीयू में पीटर पार्कर को अपना सूट टोनी स्टार्क से मिला। ये सूट बहुत ही हाईटेक और एडवांस है। इसके बावजूद भी टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में पीटर पार्कर को एक नया सूट ऑफर किया, जिसे पीटर ने लेने से मना कर दिया था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में पीटर हमें इसी नए सूट में दिखा। स्पाइडरमैन का पिछला सूट ही इतना पावरफुल था कि अब देखना ये है कि ये नए सूट में और क्या कुछ नया है। कई फैंस का ये मानना है कि ये सूट कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज का आयरन स्पाइडर सूट है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर को आयरन स्पाइडर सूट दिया था, लेकिन इस सूट का डिज़ाइन कॉमिक्स के सुपीरियर स्पाइडरमैन सूट जैसा लग रहा है। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में पीटर को उसके नए सूट में देखने पर सभी को ये लग रहा था कि अब हमें स्पाइडरमैन का पुराना सूट नहीं दिखेगा, लेकिन इन्फिनिटी वॉर की एक नई वीडियो क्लिप में पीटर उसके पुराने सूट में भी दिखा। मतलब इन्फिनिटी वॉर में पीटर कुछ टाइम तक इस पुराने सूट में रहेगा, और जब उसे इस सूट में कहीं कमी महसूस होंगी तब जाकर वो टोनी स्टार्क से नया सूट लेगा। इसके बाद है कैप्टन अमेरिका। इस बार कैप्टन का लुक इतना चेंज हो गया है कि कई लोग तो उन्हें ट्रेलर देखकर पहचान ही नहीं पाए। हमेशा क्लीन शेव और टिप टॉप रहने वाले कैप्टन, इस बार उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए हैं। कैप्टन का लुक चेंज होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सिविल वॉर मूवी के एंड में कैप्टन गवर्नमेंट की नज़र में एक क्रिमिनल साबित हो गए थे, तो हो सकता है कि कैप्टन ने सबसे छुपने के लिए ये नया लुक अपनाया हो। इस बार उनका सूट तो वही है जो कि उन्होंने सिविल वॉर में पहना था, बस उनके सूट से अब ये स्टार निकल चुका है। सिविल वॉर के एंड में कैप्टन अपनी शील्ड टोनी स्टार के पास छोड़ के चले गए थे, और शील्ड के बिना कैप्टन अधूरे है, इसीलिए टचाला ने उन्हें एक नई शील्ड दी है। ये शील्ड हमें कैप्टन के दोनों हाथों में दिखी। कॉमिक्स में कैप्टन के पास ऐसी एक शील्ड थी जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होती थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये दिखा नहीं कि कैप्टन की ये शील्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है या फिर दो अलग अलग शील्ड है। लेकिन इतना पता चल गया कि ये नई वाइब्रेनियम की शील्ड एडजस्टेबल है, मतलब छोटी या बड़ी हो सकती है। इन्फिनिटी वॉर से ठीक पहले जिस हीरो के सबसे बुरे हाल हुए वो है थॉर। थॉर रैग्नारोक मूवी में सबसे पहले तो थॉर का हथौड़ा टूट गया, फिर उसके कपड़े फट गए, उसके बाल कट गए, और बेचारा एक आंख से अंधा भी हो गया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि थॉर अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बिना हथौड़े के थॉर बिना शील्ड के कैप्टन जैसा है। बेशक थॉर अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर वो थैनोस के ऊपर दुनिया भर की बिजली भी गिरा दे तो भी उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए थॉर को एक हथियार की ज़रूरत है,
और पिछले कुछ दिनों में थॉर के नए हथियार को लेकर बहुत सारी फैन थेरीज सामने आ चुकी है, जिसमें से सबसे बढ़िया थेरी ये है कि थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ नाइन रियल में से एक नाइडा वेलर पर जाएगा। नाइडा वेलर प्लेनेट पर ड्वार्फ्स यानी बौने रहते हैं, जिन्होंने थॉर का हथियार म्यूनिर बनाया था। थॉर के हथौड़े म्यूनिर को नाइडा वेलर के ड्वार्फ्स ने एक स्टार मतलब एक सूरज के अंदर उसकी गर्मी से बनाया था। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के इस सीन को देखने से ये लग रहा है कि ये जगह किसी सूरज के आसपास है और ये मशीन एक फोर्ज यानी एक भट्टी है और इसमें तपकर थॉर अपना नया हथियार बना रहा है। रिसेंटली कुछ टॉय कंपनीज के मॉडल सामने आए जिसमें थॉर का नया वेपन दिखा और इस वेपन का हैंडल लकड़े से बना है। ये लकड़े का हैंडल ग्रूट की बॉडी जैसा लग रहा है, तो हो सकता है कि थॉर का नया वेपन बनाने के लिए ग्रूट ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हो या फिर उसने अपनी बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा दिया हो। और ये वेपन देखने से बिल्कुल कॉमिक्स के अल्टीमेट म्यूनिर के जैसा लग रहा है। अल्टीमेट म्यूनिर एक ऐसा हथियार है जिसका एक साइड कुल्हाड़ी जैसा है और दूसरा साइड हथौड़े जैसा। थॉर के नए सूट की बात की जाए तो इस बार थॉर कंप्लीट ब्लैक सूट में दिखने वाला है, जो कि हम थॉर रैग्नारोक के एंड में देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन की। पूरे एमसीयू में जो चीज सबसे ज्यादा अपग्रेड हुई है वो है आयरन मैन का आर्मर। आयरन मैन 1 में टोनी को सूटअप होने के लिए बहुत टाइम लगता था, फिर ये काम थोड़ा आसान हुआ और आयरन मैन 3 के बाद से तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टोनी स्टार्क को अपने आर्मर के लिए हमेशा किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाए और उसका आर्मर उस तक थोड़ी देरी से पहुँचे तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए थैनोस से लड़ने के लिए टोनी को एक ऐसा आर्मर चाहिए जो कि हमेशा उसके पास रहे और जो डैमेज भी ना हो। जब से इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर सामने आया है तब से आयरन मैन के नए सूट के बारे में बातें शुरू हो गई है। बहुत से फैंस इसे कॉमिक्स का ब्लीडिंग एज आर्मर मान रहे हैं। ब्लीडिंग एज आर्मर एक ऐसा आर्मर है जो कि ब्लैक पैंथर के नए सूट के जैसे ही बहुत ही छोटी नैनो मशीन से बना है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने इन नैनो मशीन्स को अपनी बॉडी के अंदर अपनी बोन्स यानी हड्डियों में फिट किया था और जब भी टोनी को अपने सूट की ज़रूरत पड़ती तब ये मशीन्स टोनी की बॉडी के बाहर आकर एक सूट फॉर्म कर लेती। इस वीडियो क्लिप को देखने पर बहुत से फैंस को ये लग रहा है कि ये ब्लीडिंग एज आर्मर है, लेकिन ब्लीडिंग एज आर्मर के अलावा एक और ऐसा आर्मर है जो कि इसी तरह से काम करता है और वो है मॉडल प्राइम आर्मर। ब्लीडिंग एज आर्मर और मॉडल प्राइम आर्मर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ब्लीडिंग एज आर्मर की नैनो मशीन्स को बॉडी के अंदर फिट करना पड़ता है, लेकिन मॉडल प्राइम आर्मर की नैनो मशीन्स को बॉडी के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जा सकता है। कॉमिक्स में मॉडल प्राइम आर्मर एक ब्रेसलेट के फॉर्म में था जो कि टोनी की मेंटल कमांड मिलने पर एक्टिवेट होकर एक सूट फॉर्म करता था। आयरन मैन 3 में टोनी ने ऑपरेशन कराकर अपनी चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकाल लिया था। उसके बाद से सभी आर्क रिएक्टर डायरेक्टली उसके सूट में अटैच थे, लेकिन इस बार हमें फिर से उसके चेस्ट पर आर्क रिएक्टर दिखा जो कि उसके कपड़ों के ऊपर फिट है। तो हो सकता है कि जिस तरह से कॉमिक्स में उस ब्रेसलेट से पूरा आर्मर बनता था उसी तरह से टोनी के इस आर्क रिएक्टर से उसका नया सूट बन रहा हो। मॉडल प्राइम आर्मर का एक छोटा सा डेमो हम सिविल वॉर मूवी में देख चुके हैं, जिसमें टोनी ने एक वॉच से अपने हाथ में एक छोटा सा गाउंटलेट बना लिया था। कॉमिक्स में मॉडल प्राइम आर्मर सबसे पावरफुल आर्मर है। इसके बाद है हमारी फीमेल सुपरस्टार नताशा रोमानोफ मतलब ब्लैक विडो। अब तक हर मूवी में ब्लैक विडो ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, लेकिन उसके हेयर का कलर हमेशा से ही रेड या फिर ब्राउन था, पर इस बार उसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। पर कुछ फैंस को ये हैरानी है कि इतना चेंज क्यों। सिविल वॉर में हमने देखा था कि ब्लैक विडो कैप्टन की अपोजिट टीम में थी मतलब गवर्नमेंट के साइड थी, लेकिन बाद में उसने कैप्टन और विंटर सोल्जर की भागने में हेल्प की मतलब कानून तोड़ दिया। लेकिन मूवी के एंड में ब्लैक विडो हमें बाकी लोगों की तरह जेल में नहीं दिखी, मतलब वो जेल जाने से पहले ही भाग गई। शायद इसीलिए ब्लैक विडो ने अपना लुक चेंज किया ताकि कोई उसे आसानी से पहचान ना पाए। इसके बाद है विजन। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में विजन एक इंसान के रूप में दिखा। जैसा कि हम जानते हैं कि माइंड स्टोन की वजह से विजन के पास बहुत सारी पावर्स है, जिसमें से एक पावर है शेप शिफ्टिंग, और इसी पावर का इस्तेमाल करके विजन ने इंसान का रूप लिया है। विजन के ह्यूमन फॉर्म में दिखने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि उसे वांडा के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जीना है,
और दूसरा रीजन ये कि थेनोस से छुपने के लिए विजन ने इंसान का रूप लिया है। लेकिन इंसान का रूप लेने के बावजूद भी विजन के सर पे माइंड स्टोन दिख रहा है। इस सीन में वांडा विजन के माइंड स्टोन के साथ कुछ कर रही है। हो सकता है कि वांडा अपनी पावर्स से विजन का माइंड स्टोन छुपाना चाह रही है, या फिर ये माइंड स्टोन आने वाले खतरे के बारे में बता रहा है। और सबसे लास्ट कैरेक्टर है थेनोस। इसके पहले जब हमने थेनोस को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के मिड क्रेडिट सीन में देखा था, तब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। तब उसने कॉमिक्स के जैसे ही एक बड़ा सा आर्मर और हेलमेट पहना हुआ था और उसकी स्किन भी पर्पल कलर की थी। लेकिन इस बार हमें थेनोस बिल्कुल अलग दिखा। यहाँ थेनोस बिल्कुल कैजुअल लुक में है, ना आर्मर ना हेलमेट, और थेनोस की स्किन अब पिंक कलर की हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में एक नए लुक या फिर एक नए सूट में दिखने वाले हैं। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स या तो हमें अभी तक दिखे नहीं या फिर उनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सही टाइम पर मिल सके।